तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं राजू जी, आज हम बताने वाले हैं बच्चों वाली जो ट्रेसाइकिल होती है। जी हाँ दोस्तों, उसमें क्या होता है कि अधिकतर प्रॉब्लम आता है, चक्का जो है लूज हो जाता है, तो पैडलिंग सही से बच्चे का काम नहीं करता। कुछ दिन चलता है, 10 दिन 15 दिन 1 सप्ताह जब भी चले, या 2-4 दिन जो भी चले। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे पास देखिए कम दाम की ट्रेसाइकिल है। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर यही कम दाम की साइकिल में प्रॉब्लम आती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें क्या हो कि इसका जो पैडल है आपका फ्री हो चुका है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि देख पाते हैं, मेरा पैडल रुका हुआ है और चक्के खाली घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, जो व्हील है व्हील खाली घूम रहा है आपका। तो इसमें क्या कि आप अपने से अपने घर में इसको कता ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने से कर सकते हैं बिना मैकेनिक के पास ले जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दुकान पर ले जाकर के रिपेयर कराऊँगा तो उसमें आपका, तो दोनों चीज़ें आप लोग का जो है बचने वाला, जहाँ समय भी बच जाएगा, आप जो काम करें वो काम भी आराम से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा कुछ करने का नहीं होता है। इसमें क्या है कि आपका जो ये जो आप नट देख रहे हैं, जो है ये नट लूज हो चुका है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है कि सही से ये जो है पहिया घूमता नहीं है और ये पैडल रोटेट नहीं होता। तो ये नट को अगर आप सही तरीके से टाइट कर देते तो ये प्रॉब्लम का ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपको मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने घर में सही से एकदम कर सकते हैं। मैं आज बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें दोस्तों, आप लोग को समझ में आ जाए किस तरह से करना है। और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा सारा चीज़ सेटिंग किस तरह से होगा और किस तरह से आप टाइट कर सकते हैं खोल के। सो आपको ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही ज़्यादा काम का वीडियो अदर दोस्तों को भी शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, और इसी तरह के वीडियो हम हमारे चैनल पर आप लोग को हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो दोनों नट आप देख रहे हैं चक्के वाली, ये दोनों नट को खोल लेना है। ठीक है दोस्तों, नट को खोल लिए हैं, अब ये दोनों स्क्रू को हमको निकाल लेना है। सो दोस्तों, हमने दोनों नट को खोल के स्क्रूप निकाल लिए। ठीक है, 1 मिनट नहीं था तो मैं नया नट लगाने वाला हूँ। सो दोस्तों, अब क्या करना है कि स्क्रूप को रख देना, उसके बाद आपको क्या करना है, पहिया को बाहर निकालना है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दो बूस आप देख रहे हैं, एक ई साइड बूस है और एक आपको ई साइड बूस है। ठीक है, तो दोनों बूस को निकाल लेना। ठीक है, इस तरह से आपको ठोक ठोक के जो निकाल लेना है। ठीक है, ये देखिए हमारा जो एक साइड ठोके तो दोनों साइड से निकल गया। ठीक है, और ये क्या देखिए, चक्का हमारा बाहर आ गया। तो अब क्या करना है, ये जो दोनों पैडल आप देख रहे हैं, ठीक है, पैडल पे एक आपका लॉक लगा हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपको लॉक लगा हुआ, ये लॉक को ठीक है आपको बाहर निकालना है। ठीक है, ये दोनों निकलता है, ये जो लॉक है दोनों साइड पैडल में है, तो इसको आपको जो इस तरह से नाखून से, जो इस तरह दोनों नाखून देख रहे हैं, नाखून से इस तरह से दोनों को फैला करके बाहर तरफ पुश करना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा निकल गया। ठीक है, ये देखिए हमारा लॉक हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए हमारा जो है ये लॉक निकल गया है। ठीक है, आप पैडल को आपको निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से आप जो है निकाल लें, और इस तरह से निकाल लें, और फिर जो है आपको क्या करना है, दूसरा साइड भी आ जाना। ठीक है, दूसरा साइड भी इस तरह से आपको पुश करके निकाल लेना है। ठीक है, सामान है बूस वगैरह, ये सब निकालते कि इसका जो सो वगैरह है, ढक्कन वगैरह, ये सब निकाल लिए हैं। देखिए दोस्तों, निकाल लिए। ठीक है, सब साइड कर देते हैं, बूस को भी निकाल दिए हैं। अब क्या करना है, इसका जो नट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये नट जो है लूज है पूरा। ठीक है, तो एक नट को भी पहले बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, सो दोस्तों, हमने सारा चीज़ इसका निकाल लिए हैं, चक्के वाली, ठीक है, पहिए वाली। तो अब क्या करना है, इसको आपको जो जगह पर, ये जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो सॉकेट आप देख रहे हैं पहिए वाली, जी हाँ, इस सॉकेट पे आपको जो है ये जो पत्ती देख रहे हैं एक्सल की, ठीक है, ये पत्ती को सॉकेट में एकदम बढ़िया से बैठा देना है इस साइड में। और जो दूसरा साइड है, जिधर में आपका नट और पत्ती जो लगी हुई है, ठीक है, लगी हुई रहती है, तो वो आपको पत्ती को जो इस तरह से आपको अंदर से लगा लेना। ठीक है, और इसको भी आपको जो पूरा एकदम सॉकेट में बैठा लेना। ठीक है जो दोस्तों, जो चक्के का जो आपको पहिए का जो सॉकेट है, ठीक है, व्हील का सॉकेट में आप बैठा लें। इसको बैठा लेने के बाद आपको क्या करना है, ये नट देख रहे हैं, नट को भी आपको जो है बढ़िया से आपको जो है इस तरह से एक नट पहले आपको टाइट कर लेना। ठीक है, उसके बाद दूसरा नट आपको लगाना। ठीक है, तो एक नट को हमने जो है हाथ से टाइट कर दिया। उसके बाद क्या करना कि दोस्तों, इसमें जो 15 नंबर की 14 और 15 नंबर की रेंज आती है, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत निकलता है, इसमें 3-4 तरह का नट रहता है। ठीक है, तो ये एक आपको जो है 15 नंबर वाली नट हो गया, एक इसमें आपको 14 नंबर वाली नट होता है, और एक आपको जो है 13 नंबर वाली नट होता है। ठीक है, और एक आपको 12 नंबर वाली नट होता है। ठीक है, 4 किस्म के इसमें नट लगा हुआ रहता है अलग अलग ट्रे साइकिल में। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि
जो साइज का रिंच आपका लगेगा नट में, ठीक है, तो वही साइज का आप रिंच ले लें। उसके बाद क्या करना दोस्तों, इसको जो आपको इस तरह से टाइट कर देना है, ठीक है, इस तरह से आपको बढ़िया से टाइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा जो है एकदम नट हमने बढ़िया से टाइट कर दिया, इधर भी आपको सॉकेट में बैठ गया, ठीक है, व्हील का सॉकेट में, इधर भी सॉकेट में बैठा दी बढ़िया से, इसका जो बढ़िया से एकदम टाइट कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या है कि मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, इस तरह से अगर आपका पहिया अगर ख़राब हो जाता है तो आप अपने घर में पहिया भी आप इसमें नया लगा सकते हैं। जी दोस्तों, जी ये व्हील है, व्हील अगर आप मार्केट से खरीद के ले आएँ तो आप अपने से भी इसको लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं इसी तरह से एकदम सेम आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा नट है, नट टाइट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो निकलता है दूसरा नट है एक बार, तो उसको भी आपको इस तरह से लगा देना है और इसको भी फुल टाइट आपको दे देना है। देखिए हमारा एकदम जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये दिक्कत नहीं करेगा, अब ये आपको कितना भी ज़्यादा बच्चे का फोर्स पड़ेगा, एक टीमा बच्चा कुछ भी करेगा, तो ये आपका जो नट अब नहीं खुलेगा क्योंकि ये सही तरीके से टाइट हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना दोस्तों कि ये जितना भी सारा सोक आइटम है, जिस तरह से खोले थे उस तरह से आपको सारा लगा देना है। तो दोस्तों हमने सारा सामान लगा लिए हैं। ठीक है, अब इसको जो है आपको ट्रे साइकिल में जो फिट करते हैं आगे वाले फ्रॉक में, जो है ये फ्रॉक में आपको फिट कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसका पैडल लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो पैडल देख रहे हैं उसके बाद लगाएंगे। इस तरह से दोस्तों आप लोग को जो है आस्ते आस्ते ठोक ठोक करके एकदम सेंटर में लाना है। ठीक है, सेंटर में लाने के बाद जब सेंटर में आ जाएगा तो उसका ये स्क्रूप जो देख रहे हैं, स्क्रूप आपको लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों दोनों नोट अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। टाइट कर लेने के बाद देखिए हमारे जो ट्रेसिंग एकदम कंप्लीट हो गया, पैडल लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो पे देख करके आप लोग समझ गए किस तरह से ट्रेसिंग का नट टाइट होता है और किस तरह से चक्का फिटिंग होता है। जी दोस्तों, तो चलिए एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।